चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी के रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई 2024 के नियर बाई स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। ये मैं आपको आगे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इतना डिले क्यों होगा इसमें। अभी 8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में नीट के रिगार्डिंग डिसीजन है। अगर ये डिसीजन ये आता है कि री नीट होगा तो ये जो काउंसलिंग है ये ऑटोमेटिक कैंसल्ड हो जाएगी। अगर रीनीट नहीं होता है तो उसमें ये 18 जुलाई के नियर बाई स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इसका मेन रीजन ये है कि जो सीट मैट्रिक्स है वो अपडेट नहीं हुआ है अभी, और जब तक सीट मैट्रिक्स अपडेट नहीं होता है तब तक काउंसलिंग स्टार्ट होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अभी एनएमसी के मेडिकल कॉलेजेस के इंस्पेक्शन चल रहे हैं और इसकी वेबसाइट पर अभी 2023 में जितनी कॉलेजेस थी उतने ही कॉलेज शो कर रहा है। हालांकि काफी सारे कॉलेजों का इंस्पेक्शन हो गया है, अप्रूवल मिलनी थी उनको अप्रूवल भी मिल गई है, लेकिन अभी अपडेट हुआ नहीं है। ये वो 706 कॉलेजेज 2023 में थी, वो सेम कॉलेजेज ही यहाँ शो हो रही हैं। हालांकि कुछ सीटें इसमें यहाँ ऐड हुई हैं जो पुरानी कॉलेजों में ऐड हुई हैं यहाँ पर, जो अभी तक तो काफी कम है, यानी कि नए के बराबर ही सीट अभी इसमें अपडेट हुई है। तो पहला रीजन ये है कि अभी एक बार सीट ऐड हो जाएंगी उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो ये सबसे बड़ा रीजन है काउंसलिंग डिले होने का। दूसरा रीजन ये है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैसेज आता है उनके सेंटर ओपन होने का, तो अभी वो एमसीसी ने मैसेज दिया नहीं है। अगर पिछला डाटा देखें तो पिछली बार 5 जुलाई को ये नोटिस दे दिया था और 20 जुलाई से ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और 14 जुलाई को ये नोटिस आ गया था शेड्यूल का काउंसलिंग का। तो इस कारण से भी अभी हम देख रहे हैं कि इसमें काउंसलिंग में डिले होने का ये भी एक रीजन है। अगर ये जल्दी स्टार्ट होती तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये नोटिस पहले ही आ जाता। ये आप पिछला शेड्यूल देख रहे हैं, 20 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो इससे पहले स्टार्ट होने की इस बार भी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें रीजन होता है सीट अपडेटेड का। मेडिकल कॉलेज के इंस्पेक्शन का बड़ा रोल होता है इसमें, एक बार सीट ऐड होंगी तभी काउंसलिंग हो पाएगी, नहीं तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि सेकेंड राउंड में काफी सारी सीटें आ जाती हैं। लेकिन एमसीसी का ये कहना है, एनएमसी का ये कहना है कि ये सीटें फर्स्ट राउंड में ही ऐड हो जानी चाहिए मैक्सिमम कॉलेजेस। तो ये कारण है काउंसलिंग का डिले होने का, और ये 18 जुलाई के नियर बाई स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन की। लेकिन अभी हम देखेंगे कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। रीनीट का मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 50-50 ही चांसेस हैं, 50% सुप्रीम कोर्ट रीनीट कर भी सकता है और 50% सुप्रीम कोर्ट रीनीट नहीं भी कर सकता है। तो इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा, ये तो 8 जुलाई को ही पता लगेगा, और 8 जुलाई भी अभी नजदीक आ गई है। जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।